हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी भाई को जय श्री राम। अभी टाइम हो रहा है 7 के आसपास और सर्दी बहुत अधिक है। और कल हम रुके थे आगरा में। भाई आगरा में आपको क्या बताऊँ, ठंड इतनी अधिक है ना, जैसे मतलब हिमालय जैसा महसूस हो रहा है भाई। और रूम इतना ठंडा है कि हालत बहुत टाइट है। और क्योंकि यहाँ से हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। और आगरा से जो अयोध्या की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर है। तो कंटिन्यू अगर हम 8 घंटा अगर बाइक चलाएंगे तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, ठीक है। दूरी है वो 350 के आसपास है, लखनऊ की दूरी। तो देखते भाई है ना, और बैग वैग वगैरह पैक करते हैं। दोस्तों, मैं होटल के बाहर आया हूँ और ऐसा मौसम देखो आप, पूरा फॉग ही फॉग है। और हम ही थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं, और इस फॉग में हम कैसे निकलेंगे वही हम सोच रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ मौसम है, अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग फॉग यार, है ना। और इस होटल में हम रुके थे, चलो ठीक है अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ, ऐसे मौसम में निकलना सही रहेगा या नहीं, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हालत टाइट हो जाएगी भाई। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। हो चुके हैं एकदम पूरी तरह से तैयार, और हेलमेट पहन लिया, सूट पहन लिया, बाकी बैग वगैरह पैक हो चुका है। अभी रूम को करते हैं चेकआउट। चले फिर। तो भाई होटल से जस्ट निकलने के बाद वो देखो कोहरा, देखो कितना अधिक है। तो वैसे 1/2 किलोमीटर आ चुके हैं होटल से, और अभी हो रहे हैं अयोध्या के लिए रवाना। और चाय के होटल पर रुके हैं चाय पीने के लिए। तो चाय पी लेते हैं और थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर अपने आस पास चलेंगे 10-15 फीट के हिसाब से, क्योंकि आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा भाई। लोगों देखो ना, जितनी भी व्हीकल है सब स्लो चल रही है भाई, इतना फॉग है। और हमारे पास तो भाई बाइक है, तो हमारी हालत कितनी टाइट हो गई। चलो ठीक है, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी। और चरण भाई तो पूरी तरह से फिट हो गए भाई। तो दोस्तों चाय पीने के बाद हम निकल चुके हैं, और ये आगरा का हाईवे देखो आप, पूरी तरह चारों तरफ धुंध ही धुंध है। तो चलते हैं स्लो स्लो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। तो लाइटिंग वगैरह वो भी बहुत कम दिखाई दे रही है। क्या नाम है? इनर रिंग रोड। अच्छा जबरदस्त, चलो ठीक है आस्ते आस्ते चलते हैं। तो अभी रुके हैं कैमरा वगैरह अंदर डालने के लिए। बाइक का तो गोप्रो था वो पूरी तरह से भीग चुका था, और पूरा पानी पानी हो गया हेलमेट के ऊपर वगैरह, ठीक है। और ये हाईवे कौन सा है भाई? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ आगरा लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस है, और हमारी बाइक दिख रही है भाई इतनी मतलब में, इससे मतलब ये समझ लो ना 50 मीटर के आगे विजिबिलिटी भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कुछ भी। और पूरे कपड़ों में पानी पानी हो गया, इतना ज़्यादा फॉग है। तो अभी देखते हैं भाई कैसे क्या मैनेज होता है। टाइम हो रहा है 9 बज रहे भाई, 9 बजे तक सूर्य देवता भी नहीं दिखे देखो। तो दोस्तों कुछ देर चलने के बाद हमें टोल मिला है, और ये देखो स्नो देखो आपकी अति हो रखी है। तो 10-15 मिनट यहाँ रेस्ट करते हैं, क्योंकि पैंट पूरी तरह से भीग गया है आपके जूते वाला, पूरा स्नो हो रखा है ना। और सरवन भाई की तो कितनी हालत ख़राब हो गई है, वो खड़े वहाँ पे और स्नो देखो कितनी भयंकर वाली हो रखी है। सूरज भगवान तो दिख भी नहीं रहे यार, मेरे हिसाब से 12-1 बजे पूरा क्लीन हो जाएगा। पानी देखो पूरी गाड़ी के ऊपर, पूरा स्नो हो रखा है। और तो भाई लोग झंडी लगाते हैं, और झंडी से क्या होगा कि हमारा टोल वगैरह नहीं लगेगा। तो भाई देसी जुगाड़ लगा रहा है। तो वैसे तो हमारे पास थी झंडी वगैरह, लेकिन वो फट गई थी, इस हिसाब से हमने बैग के अंदर डाल रखा था। तो भाई लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, आखिर में ये भी काम आ चुका है। चलो ठीक है इसको ऐड करते हैं। वाह हो गए हमारे यार, जय श्री राम। चलो ठीक है, रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और सर्दी बहुत भयंकर वाली है दोस्तों। तो 70 किलोमीटर आगरा से हमने रास्ता मतलब फिक्स तय कर लिया है, और यहाँ पे आग जल्दी पीछे
तो थोड़ा बहुत होते हैं गर्म, फिर यहाँ से फिर निकलते हैं भाई। तो ये तो भाई है बाइकर वाले, ये बैंगलोर से आए हैं और ये भी हमारे साथ ही है भाई। ठीक है, हर बाइक वाला यहाँ पे रुक रहा है तो हम भी रुके हैं थोड़ी देर के लिए। और भाई सरोन भाई का पूरा पैंट भी मतलब भीग गया था पूरी तरह से। हाँ ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ी देर और गर्माहट लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते भाई। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सामान था हमने यहाँ पर रख दिया टेबल पे, और इस तरह का डब्बा है, तो वो चाय पानी का नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना पानी हो चुका है अब हमारा, और बोला भी नहीं जा रहा भाई, इतनी भयंकर वाली ठंड है, और अंदर तो इतनी अधिक ठंड नहीं थी, चाय वगैरह पी ली थी हमने, अभी चलते हैं भाई। तो दोस्तों ये हाईवे है आगरा और लखनऊ वाला, और इसी हाईवे पे हम चल रहे हैं, उस साइड से आए थे और अभी इस साइड जाने वाला है भाई, है ना। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह की फसल है यहाँ पर, और ये एक नाला है या नदी है, पता नहीं कौन सी रिवर है, छोटी सी है, और शायद इस साइड भी फसल है, मुझे साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह का खेत है यहाँ पे। और तो यहाँ इसलिए रुके थे कि सरोन भाई का जब गोप्रो पर काम नहीं कर रहा था, तो बैटरी वगैरह चेंज करनी थी, तो बैटरी चेंज कर दिए, अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी है दोपहर का समय है, धूप तो अच्छी खासी है नहीं, ठंड अधिक है, फॉग वगैरह थोड़ा बहुत कम हुआ है, अधिक नहीं हुआ है, और अभी हम रुके हैं हाईवे पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर, फिर आगे का सफर तय करते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ, पहले आप सूरज भगवान के दर्शन कर लो। आप दिख रहे हैं, आपको मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिख रहे होंगे शायद। तो भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के खेत भाई, स्थान तो पता नहीं है हमें, और तो पता तो रहता है। और ये जो रोड है ये शायद मेरे हिसाब से लोकल रोड है, गांव की ओर साइड जाता है, और ये हाईवे है। हमने सुना है कि वीआईपी पास अलाउड है एंट्री, और हमारे पास वीआईपी पास है नहीं भाई, तो देखते हैं। तो हम खड़े हैं लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस पर, ये आगरा और लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस है दोस्तों। तो पीछे कुछ खेत वगैरह है, आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ से कुछ लखनऊ है 33 किलोमीटर और अयोध्या है 140 किलोमीटर, तो देखते हैं पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 3:30 के आसपास, देखते हैं। और सर्दी बहुत भयंकर वाली है भाई, अगर साफ मौसम होता तो जल्दी जल्दी चल लेते थे, लेकिन अभी आराम से चलना पड़ेगा। तो भाई इस तरह का खेत है ये देखो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाला। ठीक है भाई, धूम देखो आप, पूरी तरह फॉग ही फॉग है भाई। और ये देखो झुपड़ी बना, झुपड़ी नहीं है भाई, ये घास घास ऐसा के लिए ऐसा, इस तरह का नज़ारा है। और वहाँ पर होटल है भाई, गाड़ी खड़ी है। ठीक है भाई, अभी चलते हैं यार, ज़्यादा टाइम हो रहा है। और भाई बना रहा है, और ये झंडा हमने साथ में लिया था जय श्री राम का, तो इस झंडे ने भाई जो टोल था वो बचाया। ठीक है गाइस, ये है लखनऊ और मोहन, हमें जाना है लखनऊ की साइड की ओर। फाइनली दोस्तों हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, और ये है नवादों का शहर। तो गाइज अब चाय वगैरह पीते हैं, कहीं होटल पर रुकते हैं। तो दोस्तों एक नुकसान हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और राम जी की जो झंडी थी वो नीचे कहीं गिर गई है यार, बहुत दुख हो रहा है। हमने सोचा कि वापस रिटर्न चले, लेकिन भाई बोल रहा कि आगे से कुछ ले लेंगे दोबारा कोई। इस रास्ते में ये भैया मिले जो साइकिल लेके अयोध्या जा रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो टायर था वो पंचर हो चुका है लखनऊ में, अभी पंचर निकालने जा रहे हैं।
दोस्तों गाड़ी का पंचर वंचर हो चुका है हमारा, और अभी हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट अयोध्या जाए या फिर लखनऊ रहे, क्योंकि यहाँ से अयोध्या की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है भाई, और सर्दी भी बहुत भयंकर वाली है। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 5:30 के आसपास, तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, है ना। तो गाड़ी का पंचर हो चुका है, लगवा लिया पंचर, और ये दुकान थी भाई, और सामान कुछ ऐसे पड़ा है, और मोबाइल की जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत कम है भाई, 70% ही है। तो वीडियो वगैरह शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। वैसे दोस्तों राम के स्वागत में लखनऊ पूरी तरह से सज चुका है, जैसे कोई दुल्हन सजती है ना उसी तरह, और हर कोई राम भक्त राम जी को वेलकम करने के लिए तैयार है। और ये लखनऊ सिटी है भाई, लखनऊ इतना चमक रहा है तो अयोध्या कितना चमक रहा होगा। तो गाइज आप भी लखनऊ का आनंद लीजिए, तब तक मिलते हैं बाद में। तो भाई लोगों हम अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर खड़े हैं, और यहाँ पे पुलिस देखो आप हर किसी को चेकिंग किया जा रहा है, किया गया हमारे पास यूआईपी पास ना होने के लिए, हाँ ना होने की वजह से हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। ये हमारी बाइक खड़ी और सरगण गया है कुछ बात करने के लिए ऑफिसर से, अगर काम बनता है तो हम फिर आगे निकल पाते हैं। ये टोल नाका है भाई, ठीक है, हर किसी को आधार कार्ड आईडी चेक किया जाता है, वीआईपी आपके पास पास हो तो आपके एंट्री की जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डोरमेट्री में, और बहुत ही मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी यार अयोध्या में आने के लिए। लखनऊ में हमें ऑलरेडी पहले वहां पर रोक दिया गया था, अगर आपके भी आपके पास वीआईपी पास है तो आपको जाने दिया जाता था, लेकिन एक भाई था पुलिस वाला तो वो बहुत ही अच्छा था, तो उसने कहा कि आप निकल जाओ। तो फिर यहाँ आए तो फिर होटल का इशू, और होटल का किराया आप मान नहीं पाओगे, 4,000-5,000 मतलब 6,000-7,000 तक भाई, बहुत हालत टाइट हो गई थी। 7 बजे से 10:30 बजे तक तो हम मतलब होटल ही ढूंढ रहे थे, बहुत मुश्किल के बाद थे ये डोरमेट्री हमें मिली थी, और फिर हम तो यार हार गए थे पूरी तरह से। फिर भगवान को याद किया, फिर हमें ये आश्रम मिला था, ठीक है। तो वैसे डोरमेट्री है तो भैया आते ही बोला भैया ने कि हाँ रूम खाली है, तब मतलब दिल को सुकून मिला, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें सिर्फ बिस्तर दिया जाए और कहीं हम सो जाएंगे यार, इतनी हालत टाइट हो गई थी। तो भाई अभी हम लेटे हैं, ठीक है, तो अभी वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।